नालागढ़ रोपड़ रोड पर जगातखाना में पेट्रोल के टैंकर में आग लगने से दो व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार देर रात एक तेल के टैंकर में भीषण आग लगी, चालक सहित दो लोग जिंदा जल गए। नालागढ़ के सैनी माजरा में दर्दनाक हादसा ये पेश आया है, जहां एक तेल से भरे टैंकर में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि टैंकर के अंदर बैठे चालक और एक अन्य व्यक्ति जिंदा ही जल गए। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार हादसा टायर फटने के कारण पेश आया। मिली जानकारी के अनुसार ये पेट्रोल से भरा टैंकर बठिंडा से नालागढ़ की ओर आ रहा था। दमकल अधिकारी करमचंद ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें देर रात सूचना मिली थी कि सैनी माजरा में एक पेट्रोल से भरा टैंकर जगातखाना पुल के नीचे गिरने से भयंकर आग लगी हुई है। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। जब तक टैंकर बुरी तरह से जलकर राख हो चुका था और उसमें दो व्यक्ति भी जलकर मर गए। उसकी सूचना हमारे को एक सवार से मिली थी, उसे एक टैंकर बठिंडा से नालागढ़ आ रहा था डिपो के लिए तेल लेकर, पेट्रोल लेकर, HR 47D 42-07, जिसमें चालक गुरनाम सिंह 40 वर्ष संगरूर का रहने वाला था और उसका जो कनेक्टर था उमेश कुमार 35 वर्ष की उम्र थी उसकी, उत्तर प्रदेश, दोनों इसमें इस कांड में जल गए। तो सर कितने बजे की घटना है सर? ये हमारे को जो सूचना मिली थी रात को 11:50 पर मिली थी और तुरंत हमने गाड़ियाँ, पहले एक गाड़ी रवाना की, फिर दूसरी दो गाड़ियाँ हमने मौके पर भेज दी थी। तो सर इसमें नुकसान कितना है सर? इसमें दो व्यक्ति जल गए और लॉस लगभग 30 लाख है, जिसमें तेल भी है और गाड़ी है टैंकर भी, बाकी 7 लाख थे मकान थे, झुंगड़ियाँ जो अपनी थी कुछ उनको बचा लिया गया।